नमस्कार दोस्तों, मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसके आखिरी पड़ाव में नंबर 9 के लिए 2024 कैसा होगा। हमने अब तक 2024 का प्रेडिक्शंस नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक पूरा कवर कर लिया है। अब बारी आती है आखिरी नंबर की, जो है नंबर 9। इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो हमारी रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वो सही मायनों में जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उतना आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। सो आइए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 यानी कि जो इंसान किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्मा है, तो ये इंसान का रूलिंग प्लैनेट है मंगल यानी कि मार्स। अब दोस्तों, नंबर 9 वाले लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मंगल का जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है, और जब 9 और 8 मिल जाता है तो वो क्या है, पोल ऑपोजिट, क्योंकि मंगल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, एट द सेम टाइम वेरी फियर्स प्लैनेट, बट शनि जो है वो है शांत प्लैनेट, स्लो प्लैनेट। सो पोल ऑपोजिट 9 और 8, राइट। सो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। ये साल नंबर 9 के लिए बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट होने वाला है, ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होने वाला है। आपको रिलैक्स करना है, आपको ज़्यादा हार्डमारी नहीं करनी है, आपको फोकस करना है अपने काम पे और फोकस करना है अपने डिसिप्लिन पे, ऑर्गेनाइज स्किल्स पे, और आप हार्डवर्क करते रहिए। इसका फल आपको साल के एंड में या तो अगले साल 2025 में निश्चित तौर पर मिलेगा। ये साल हो सके तो कोई नया डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन ना ले। सबसे पहले आपको जो करना है वो है आपकी वाणी पे कंट्रोल करना है, आपके स्पीच पे कंट्रोल करना है। आप जब भी बोले सोच समझ कर बोलिए, दो बार सोचिए फिर बोलिए, बोलने के बाद मत सोचिए, क्योंकि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, फाइट्स हो सकते हैं, बिकॉज मंगल एज आई सेड इज़ अ वेरी फियर्स प्लैनेट। तो आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप सेक्टर की यदि मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी आपको ध्यान रखना है अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखना है, और यदि कोई इशू है तो आप दोनों ने साथ मिलकर उसे सुलझाना है, ना कि किसी थर्ड पर्सन के पास जाना है। डोंट रिलाई ऑन एनी थर्ड पर्सन टू रिजॉल्व योर इशूज़, आपके इशूज़ आप दोनों को ही मिलकर सॉल्व करने हैं। अदरवाइज़ यदि आप शादी करना चाहते हैं तो साल के अंत में आपका अच्छा योग बनेगा, साल की शुरुआत में आपके शादी के योग इतने अच्छे नहीं हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप शादी का प्लानिंग कर सकते हो। हेल्थ में आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, एक्सीडेंट के चांसेस है, आपको वो भी ध्यान देना है कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर आप जिम जाते हो तो हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग मत कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, चलने पे ध्यान दीजिए, लाइट वॉक, 40-45 मिनट्स का वॉक, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कीजिए, हैवी वर्क लोड ना ले और कोई भी नया चीज़ इस साल में ना करे तो बेहतर है। पार्टनरशिप्स, यदि आप नया पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो इस साल हो सके तो अवॉइड कीजिए, राइट। और आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, आपको बड़े संयम के साथ, पेशेंस के साथ लोगों के साथ बिहेव करना है। इतना करोगे तो ही आपका लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा, राइट। आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना है, आपको अपना ईगो बीच में नहीं लाना है, आपको हमेशा से अपना ईगो साइड पे रखना है। ये चीज़ें आप करोगे तो आपको फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा। अब दोस्तों, नंबर 9 वालों के लिए मैं बता दूँ, एजुकेशन के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि आप एजुकेशन सेक्टर में हो या आप स्टूडेंट हो तो बोथ द केसेस में आपका ये साल अच्छा रहेगा, स्टूडेंट लाइफ के लिए भी ये साल अच्छा होने वाला है। अब रेमेडीज़ की बात करते हैं कि नंबर 9 के लिए क्या स्पेसिफिक रेमेडीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। नंबर 9 के लिए स्पेसिफिक रेमेडीज़ है, आपको हनुमान उपासना करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक रेमेडी जो आपको करनी है वो है आपको हनुमान उपासना करनी है, हनुमान जी के शरण में जाना है, क्योंकि शनि महाराज का यदि कोई तोड़ है तो वो हनुमान जी ही है। और नंबर 9 होने की वजह से आपको खास करके, क्योंकि आपके जो देव है, जो रूलिंग गॉड है, वो भी हनुमान जी ही है, सो आपको हनुमान जी के शरण में जाना है, हनुमान जी को तेल चढ़ाना है और सफ़ेद चीज़ों का दान करना है आपको, राइट। शुक्रवार के दिन जितनी ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का दान आप कर सके आप उतना कीजिए, और शनिवार के दिन आप काली चीज़ों का दान कीजिए, राइट। काले कपड़े से सबको परहेज करनी है, नंबर 1 से लेकर 9 हर एक को काले कपड़े से परहेज करनी है।
ये मैं शायद पिछले वीडियोस में बताना भूल गया रहूँगा, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सभी लोगों को 1 से लेकर 9 सबको ब्लैक कलर से परहेज करनी है, ब्लैक कपड़े से परहेज करनी है। सो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी श्रृंखला नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक। नंबर 9 की यदि मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 2024 के कंपैरिजन में 2025 आपके लिए बेटर होगा, पर उसके लिए फाउंडेशन आपको 2024 में ही ले डाउन करना पड़ेगा। सो हार्डवर्क आपको जो भी करना है वो इसी साल करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको आपकी हेल्थ पे फोकस करना है और स्लो डाउन होना है, बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ मत रखिए। आपको ये साल टेक इट ईजी, यू नीड टू टेक अ चिल दिस ईयर, थोड़ा रिलैक्स होके आप काम कीजिए, काम कीजिए। काम करने से मैं परहेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ काम मत कीजिए, मैं आपको आराम करने नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा आप स्लो जाइए। नो हार्ड एंड फास्ट डिसीजंस, नो क्विक डिसीजंस। यदि आप कहीं पे स्टक हो तो आप आपके मेंटर की राय लीजिए, आपके मेंटर की सलाह लीजिए, आपके सीनियर्स की सलाह लीजिए और फिर ही आप लाइफ में आगे बढ़िए। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे 1 से लेकर नंबर 9 सारे नंबर्स कवर कर लिए, 2024 का प्रेडिक्शंस और रेमेडीज़ भी मैंने बताई है सभी नंबर के लिए कि आपको क्या स्पेसिफिक रेमेडीज़ करनी है, राइट। सो इस साल 2024 मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए बेहतर होगा, आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा, आपका फाइनेंसिस इम्प्रूव होंगे, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे और आप लाइफ में 1 कदम नहीं 2 कदम नहीं 3 कदम आगे बढ़ोगे। ये मेरी आशा ही नहीं, मेरी प्रार्थना है भगवान के चरणों में और मैं उम्मीद करता हूँ आप कुशल रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप मस्त रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ और इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक लेकर, और इस श्रृंखला को, हमारे रिश्ते को हम और मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे 2024 में। जैसे आपने 2023 में हमारे चैनल को सपोर्ट किया, हमारे चैनल को सिर्फ 6 ही महीना हुआ है और 6 महीने में इतना प्यार, इतनी सराहना जो आपने दी है, वो आप आगे भी हमारे साथ बनाए रखिए और भी ज़्यादा आप प्यार बरसाते रहिए और हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। जैसे 2023 में बनाए, हम 24 में भी बनाएंगे और हम आपके साथ आपके वेलबींग के पार्टनर्स हैं, हम आपके साथ आपके प्रोस्पेरिटी के पार्टनर्स हैं और हम आपके साथ आपके बेटर रिलेशनशिप के भी पार्टनर है और बने रहेंगे। सो दोस्तों, 2024 आपके लिए कुशल मंगल रहे। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससेटिस्फेक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है, जहां पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं सी योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।